अस्सलाम वालेकुम। क्या पाकिस्तान में इंतखाबात बर वक्त होंगे या कोई इल्तवा की ऐसी बड़ी साजिश है जो अभी हमें पूरे तरीके से इल्म नहीं है, लेकिन हमारे बाज़ लीडर्स को पता है उसका और वक्तन फ़क्तन उसका इजहार करते रहते हैं। ये मालूम नहीं है कि ऐसा कोई रिटन स्क्रिप्ट है जिसके ऊपर मुख्तलिफ हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बाज़ सियासी जमातें उसका हिस्सा है और हमें फिर भी उसका अभी तक इल्म नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा आज हुआ है जिससे एक तशवीश की लहर दौड़ी है मुख्तलिफ हल्कों में। लाहौर हाई कोर्ट के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दरख्वास्त थी और इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला कि इंतजामिया के नीचे इंतखाबात करवाए जाएंगे उसको उन्होंने चैलेंज कर रखा था। अब इंतखाबात की 8 फरवरी उसका बड़े वाज़े तरीके से ऐलान किया जा चुका है और हमें काफ़ी उम्मीद थी कि इंतखाबी शेड्यूल आ गया तो फिर मामला आगे चल पड़ेंगे। जैसा भी इलेक्शन हो, शायद बहुत ज़्यादा साफ शफाफ तो ना हो, लेकिन जैसा 2013 या 2018 में 2 दफ़ा इंतखाबात हुआ है उसी तरह का मिलता जुलता इंतखाब 24 में भी हो जाएगा। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने पीटीआई की उस दरख्वास्त को मानते हुए, जो आरओज और डीआरओज का एक प्रोसेस था जिसमें इंतजामिया से अफसरान लिए गए थे, उसको मुअत्तल कर दिया। अब उसको मुअत्तल करने का फौरी रद्दअमल ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आरओज की ट्रेनिंग का प्रोसेस शुरू किया था उसको उन्होंने फौरी तौर पर सस्पेंड करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अगर आरओज और डीआरओज की बरवक्त ट्रेनिंग नहीं होती तो इंतखाबात का शेड्यूल वक्त पे नहीं आएगा, और इंतखाबात का शेड्यूल वक्त पे नहीं आएगा तो 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं हो सकते। ये तो एकदम से समझिए कि पाकिस्तान में एक वो झटका मिला है आज सारों को कि ये इंतखाबी अमल को रोकने के लिए शायद ये एक रास्ता है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी लेटेस्ट उसके ऊपर अपडेट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुमकिन तौर पर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा, रजिस्ट्रार से दरख्वास्त करेगा या सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की जाएगी, उसकी रोशनी में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कुछ चैलेंज करते हैं या उसके ऊपर गाइडेंस सीख करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर कल ही लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करके कहती है कि 8 फरवरी पत्थर पर लकीर है, जैसे पहले जस्टिस अतर मिनल्ला और काजी फायजी साहब ने अपने बयान से हमें तसल्ली दी थी कि नहीं, इंतखाबी अमल अगर आगे गया तो ये बेसिक ह्यूमन राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, ये उस टाइप की कोई चीज़ है, तो कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट तो इसकी गुंजाइश नहीं देगी। अगर तो कल लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर उन्होंने सस्पेंड कर दिया तो फिर तो कह दें साथ कि 8 8 है, ये 9 नहीं होगी, 8 ही होगी, फिर तो ये बात हतमी हो जाएगी। लेकिन अगर कल वहाँ बेंच बना लिया, उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मंगवाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन और पीटीआई से वहाँ इनका जो रद्दअमल है वो लेते हैं और बाकी सियासी जमातों को भी बुलाते हैं, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि 2 हफ्ते तो कहीं नहीं गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और फिर पूरा प्रोसेस भी उतना आगे जाएगा। ये एक कैच-22 वाली सिचुएशन है जिससे मुख्तलिफ सियासी जमातों को सर जोड़ के बैठना चाहिए और बड़ी क्लैरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट को या जो भी मुतलका फोरम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको कहना चाहिए कि इंतखाबात बहरहाल 8 फरवरी को ही हैं, प्रोसेस जो भी इख्तियार करना है 8 फरवरी से ऊपर हमने नहीं जाना, 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। मौसम की बहुत सारे लोगों ने आर्गूमेंट्स की थी, वेदर ठीक नहीं है पाकिस्तान, सिक्योरिटी की इन्वायरमेंट भी ठीक नहीं है, सच बात है। आज एक पतन का सर्वे जारी हुआ और पतन का सर्वे ये कहता है कि मोर देन 80% जो पाकिस्तानी वोटर्स हैं वो चाहते हैं कि 8 को इंतखाबात हो जाएं, और वो इलाके जो दीर और इस तरह के इलाके जहाँ बर्फबारी बहुत पड़ती है वहाँ 88% जो रिस्पॉन्डेंट्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, इंतखाबात हो जाने चाहिए। अगर ये सूरत हाल है तो फिर वेदर वाला फैक्टर तो इसमें से साइड से हटा देना चाहिए। सिक्योरिटी बहरहाल पाकिस्तान में किसी भी इंतखाबात पिछले 3-4 उठा के देख लें ऐसी नहीं थी, बशमूल 2008 का इंतखाब जहाँ दिसंबर 2007 के अंदर मोहतरमा की रावलपिंडी के अंदर शहादत हो गई थी एक दहशतगर्दी के वाक़े के अंदर, उसको सामने रखते हुए इलेक्शन कैंपेन प्लान करनी पड़ेगी। लेकिन इंतखाबात का इल्तवा क्या दहशतगर्दी के खात्मे की नवीद सुनाएगा? नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये मुमकिन है कि इंतखाबात हो जाए, एक मुस्तहकम हुकूमत बन जाए तो इस दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कोई दोबारा नेशनल एक्शन प्लान बनाए और फोर्सेज के पीछे खड़ी हो पॉलिटिकल लीडरशिप और कहे कि इनको क्रश करो, पाकिस्तानी सरजमीन इन लोगों के लिए तंग कर दी जाए। उसके बाद क्या हुआ, आज जब ये पूरा सारा कुछ हो गया तो पीटीआई खुद दरख्वास्त लेकर लाहौर हाई कोर्ट गई थी। पीटीआई ने ही कह दिया कि हमने तो ये दरख्वास्त की ही नहीं थी कि आप इस प्रोसेस को सस्पेंड कर दें, हम तो 8 फरवरी को इंतखाबात चाहते हैं। गौहर खान जो उनके चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान की जगह जिनका इंतखाब किया गया, गो कि उनका अपना इंतखाब अंडर क्वेश्चन है, 18 दिसंबर को उनकी पेशी भी है, उनके इस बयान के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी से कोई 2-4 मिनट पहले एक तहरीरी बयान जारी कर दिया और कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का ये बयान गुमराह कौन है, आवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ है। आज अली जफर साहब ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने क्या कहा, पहले एक छोटा सा जुमला वो सुना दें फिर आगे चलते हैं। कमिश्नर साहब ने कहा था कि आपने आरओज के जो है आपने स्टे ले लिया है, हमारा ख्याल था कि शायद आपके राइवल लोगों ने लिया है ये स्टे,
आपने क्यों स्टे लिया, तो मैंने उनका ये जवाब दिया कि मुझे भी आज सुबह ही पता चला है कि वो स्टे है। हमारी नज़र में इसकी वजह से इलेक्शन डिले नहीं, ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि इलेक्शन डिले हों। इलेक्शन है, शेड्यूल ये जारी कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। अब ये कल सुप्रीम कोर्ट में अगर जाता है इलेक्शन कमीशन तो ये बात खुल जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने भी पहाड़ जैसे बड़े केसेस इस वक्त खोल के खड़े किए हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट तो उसमें सुरखरू होती है अच्छे तरीके से, आवाम की नज़रों में उसका वकार बढ़ जाएगा, लेकिन अगर कहीं ये नज़र आता रहा कि कंप्रोमाइज़ हो रहा है जैसे माजी में होता रहा, माजी हमारी 70-75 साल की तारीख यही है कि सुप्रीम कोर्ट हर मुश्किल मौके के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के सामने सरनिगो होती रही, अगर कुछ ऐसा किया तो फिर मसाइल बढ़ जाएंगे इनकी क्रेडिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट की, काजी फायजी साहब की और बड़े बड़े जजेस की जिनका हम बड़ी इज्जत और तकरीम से नाम लेते हैं, वो कम्प्रोमाइज़ होती नज़र आएगी। वो जस्टिस चौकस अजीज़ सदीकी का केस है जिसको कैमराज के सामने दिखाया भी जा रहा है, वहाँ पर आज जब मामला गया तो हामिद खान ने जो शौकत अजीज़ सदीकी साहब की तरफ से पेश हो रहे हैं वहाँ, उन्होंने शौकत अजीज़ सदीकी की तकरीर पढ़ कर वहाँ सुनाई। अब मैं वो सारे अल्फाज नहीं दोहरा सकता क्योंकि वहाँ एक इदारे का नाम बार बार दोहराया जा रहा था, वही नाम जो शौकत अजीज़ सदीकी साहब एक बार कौंसिल के अंदर आज से चंद साल पहले बावाज़े बुलंद ले लेकर कह रहे थे कि मुझे वहाँ से कहा गया कि नवाज़ शरीफ वाला फ़ैसला जो है वो क्या करना है। शौकत अजीज़ सदीकी को मर्ज़ी का फ़ैसला करने का किसने कहा, ये चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने जनरल फैज़ हमीद और एक ब्रिगेडियर साहब का नाम लेकर हामिद खान ने कहा कि दोनों हजरात जो थे ये शौकत अजीज़ सदीकी जो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे इनके घर गए, जिन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं इन्हें फ्रीक भी बनाएं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उन पर इल्ज़ाम है तो फिर उसको फ्रीक बनाएं, फ्रीक तो आपने उनको बनाया नहीं। शौकत सदीकी साहब का दरख्वास्त में फैज़ हमीद और अनवर कासी साहब को फ्रीक बनाने का फैसला, इसके अलावा भी उन्होंने फॉर्मर आर्मी चीफ और कई अफसरान के नाम लिखकर दरख्वास्त भी दे दी है, वो जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है वो उन्होंने सबमिट कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी और कल जब ये मामला जाएगा तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर तय करना पड़ेगा कि खुली अदालत के अंदर क्या जनरल फैज़ हमीद जो उस वक्त DGC थे बाद में DGISI बने उनकी, फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा की और बाकी जिन हजरात के नाम उसके अंदर लिखे हैं और फॉर्मर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, इसी तरीके से कैमरा के सामने सवाल जवाब होगा। ये एक मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क नज़र आता है, मुझे तो एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट के अभी तक का जो माजी है उसके सामने रखूं तो बहुत बड़ा मामला नज़र आता है। कल सुप्रीम कोर्ट शायद अपने लिए भी नई तारीख जो है वो रकम करने जा रही है। ये अभी आज के प्रोग्राम का हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है जिसमें प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बैरिस्टर ज़फरुल्ला साहब सीनियर MLN से हमारे साथ, सैनिटर हुमायूं मोहम्मद साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। हुमायूं साहब, इंतखाबात का इल्तवा दरख्वास्त आपकी थी, अब सबब जो भी बने लेकिन दरख्वास्त लेकर आप गए थे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, अब इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होगी अगर मुलतवी हो गए इंतखाबात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया नज़ीर। इस तरह ये है कि अगर आप मेरी नज़र से देखें तो यस, हम लोग इसके लेकर कहते हैं उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि अगर आप देखें पिछले एक साल में, सबसे पहले तो मार्च के बाद ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है KP की और पंजाब की खासकर, ये तो ऑलरेडी मार्च के बाद से इलीगल है, इनको तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब जब ये कर रही है, इनके आप डिसीजंस देखें ये किस तरीके से वहाँ पे एक्ट कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ उस ब्यूरोक्रेसी की। लाहौर हाई कोर्ट ने आपकी दरख्वास्त के ऊपर उनको सस्पेंड कर दिया, उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो उन्होंने सही फैसला किया ना। देखिए ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सही किया। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपका रद्द अमल, आपका लाहौर हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त है कि गलत है? मेरे लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे लिहाज से इसलिए दुरुस्त है कि जब हम देखते हैं कि KP में एक इलाके में, अगर लेट्स से पाकिस्तान मुस्लिम लीग लून के जो अमीर मकाम साहब है, जब वो एक गांव में जलसा करते हैं तो उनको सब प्रोटेक्शन मिलती है, सब चीज़ें मिलती है, उसके साथ वाले गांव में जब PTI करती है तो उधर दफ़ा 144 लगा दिया जाता है। लेकिन अब इस फैसले के नतीजे में अगर चंद हफ्ते इंतखाबात नहीं, डिले होना चाहिए, डिले अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने अपना स्केड्यूल भी नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन को जब इन्होंने पहली बार कहा था कि आरोज लेने के लिए, जजेस के उधर लेने के लिए, तो उन्होंने कहा था आप अपने स्केड्यूल बताओ, हम आपको बताते हैं कि हम दे सकते हैं नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन बजाय स्केड्यूल देने के, इलेक्शन कमीशन ने ये खुद ब खुद डिसाइड कर दिया कि हम इंतजामिया से करवाएंगे। अब ये वो इंतजामिया जो ऑलरेडी एज फार एज वी आर कंसर्न ये एक्सटेंशन है ऑफ द PDM गवर्नमेंट, और ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और ये यूज करे किसी को MPO के तहत किस लिहाज से। तो मेरे लिहाज से इसका सिंपल आसान हल ये है कि चीफ जस्टिस साहब आज कहते हैं बिल्कुल इसके लिए हम 256 या 270 लोग टोटल नहीं है, कर दें एक दिन के लिए, व्हाट्स द प्रॉब्लम बताइए सर? कहते हैं 250 बंदा देना है एक दिन में, अदलिया दे दे, क्या मसला है? तो सुबह सुप्रीम कोर्ट दे दे एक 250 बंदा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे तो ये पीटीआई की अंदरूनी ख्वाहिश लगती है कि इलेक्शन लेट हो। ये पीटीआई की ख्वाहिश है? यकीनन गए, इसलिए खुद इसलिए गए हैं। उमैर नियाजी साहब की दरख्वास्त थी, सुप्रीम इस पर काफ़ी कन्फ्यूजन फैलाई गई, लेकिन दरख्वास्त पीटीआई की। बात बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट कल इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकती, ना लेना चाहिए, वो गैर कानूनी होगा। पाकिस्तान में एक लॉ है, लॉ ये है कि जब हाई कोर्ट का एक जज फैसला करता है उसके खिलाफ अपील दो जज में जाती है, सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं ले सकती। बेंच में पहले लाहौर हाई कोर्ट जाएगी। लॉ यही है, लॉ रिफॉर्म आर्डिनेंस 1972 में ये लिखा हुआ, हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, डेली करते हैं। अच्छा, अब आपने मामला लटका दिया ना। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट अगर इसको सुपरसीड करती है तो हम पहले सुप्रीम कोर्ट को रोज़ कहते हैं कि आप खामखा 1843 को क्यों इस्तेमाल करते हैं, आपको नहीं करना चाहिए। सर, जस्टिस अतर नरेला और काजी फायजी साहब ने जो कुछ अभी इलेक्शन के लिए कहा था कि बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी होगी, लोगों को बुनियादी हक से महरूम करने के मुतरादिफ होगा। मैं आपको लीगल पॉइंट बता रहा हूँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन जो रास्ता इख्तियार किया गया मैं उसकी पिटफॉल बता रहा हूँ आपको, उसका अंजाम क्या होना है। और दूसरी मुझे समझ नहीं आ, अगर डिवीजन बेंच में गया तो वो हफ्ता दस दिन लाहौर में लगा, यही है, फिर वो इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आएगा, यही है, तो फिर तो चार हफ्ते गए। अगर सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली पावर इस्तेमाल करे, जिसके मैं वैसे कभी हक में नहीं रहा, 1843 के नीचे ले सकते हैं वैसे, नहीं ले, लाल नहीं है ना, ये गहरी साजिश है, साजिश है। दूसरी बात ये है, साजिश किसने की है, इलेक्शन साजिश जो पिटिशनर किया, और आप कचेरा ही बता रहा है खुद परेशान। मुझे लगता है पीटीआई वाले ट्रैप हो गए हैं इसमें। चल, आप कह रहे हैं साजिश किया, मुझे लगता है फंस गए। एक मेरी और गुजारिश सुन लें, बात सादा सी है कि हर लिहाज से हमें इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन हमें आगे नहीं करने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है। जमात समेत सारी जमातों के लीडर जो है इंतखाबात के 8 फरवरी के इनेकाद के ऊपर खुद इबहाम पैदा कर रहे हैं। नहीं, ये आज स्टे करने की क्या जरूरत थी, ये मुझे नहीं पता, ये कर तो लेते जज साहब का फैसला, नहीं हेयरिंग कर लेते, फुल बेंच बन जाता, ट्रेनिंग रोकने की क्या जरूरत थी। और मैं आपको बताऊँ, इतना आसान काम नहीं है, हम भी ट्रेनिंग, मैं रहा हूँ ट्रेनिंग अफसर, ये लम्बा चौड़ा काम है, एक दिन का काम नहीं है, इसमें लंबी चौड़ी ट्रेनिंग होती है, ये नेचुरली ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी होता है, आपको पता है, ये मामला डीजे की तरफ जाएगा अनलेस के सुप्रीम कोर्ट, जो मैं कहूंगा अगरचे आपको लगता है अब तखीर का शिकार साजरे नजर ही आ रहा है, लेकिन अच्छा, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। आपको मैं मुस्तफा साहब बयान सुनवाता हूँ पाकिस्तान के लीडिंग पॉलिटिशियन के, वो 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर क्या कह चुके हैं, और फिर उसको ये पीटीआई की दरखास्त और लाहौर हाईकोर्ट के फैसले से जोड़ते हैं। दिखाइएगा जो बयान क्या है। भी अपील की इलेक्शन कमीशन में, चूँकि मुझे तो टाइम चाहिए क्योंकि नई पार्टी बनी, और फिर इस सूबे में या मुल्क में कई ऐसी जगह जहाँ बर्फबारी होगी, अमन अमान का मसला, हमारे हाई कोर्ट स्वात के अंदर का फैसला है कि जब हलका बंदियाँ कंप्लीट हो जाए तो 4 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक नया हलका बनता है, नया इलाका आता है, तो उसको तो टाइम मिलना चाहिए कि वहाँ पर अपनी कैंपेन करे, मेहनत करे, तो इस पर हमने एक रिट दायर की है। बाकी फैसला अदालत का, अगर अदालत चाहती है इसको आगे कर दे, अगर अदालत नहीं मानेगी तो 8 फरवरी की होगी। हम ये समझते हैं कि इस बात की कानून साजी होनी चाहिए और यकीनी बनाया जाना चाहिए कि जब तक थर्ड टेयर ऑफ गवर्नमेंट, जिलाई हुकूमत, दही हुकूमत, शहरी हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत, मुकामी हुकूमतें इंटैक्ट ना हो, उस वक्त तक आम इंतखाबात मुमकिन ना हो सके। इलेक्शन इशू नहीं है, क्योंकि मईशत अगर तबाह होती है तो फिर मुल्क जो है वो फिर वजूद को बैठते हैं। जो हालात अमन व अमान के हवाले से हैं, मैं कम से कम अपने हलके में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकता। मुस्तफ़ा साहब, जो तमाम सियासी जमातों के लीडर हैं बशमूल PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, खटक साहब जो इनकी जमात का एक नया शक्ल है, सारे वही बात कर रहे हैं इंतखाबात आगे करने की, तो ये PTI वालों की दरख्वास्त से भी आउटकम वही हुई है, तो कोई ग्रैंड डिज़ाइन ऐसा है जो एटलीस्ट मेरी समझ में अभी तक नहीं आया, आपकी समझ में आया हो तो आप बता दें। मलिक साहब, सियासी जमातों के अंदर इलेक्शन की तड़प तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, खुद जाते हैं। ये आपने उनके बयानात दिखा दिए, और कोई जमात, खसूसन वो जमातें जो पिछले 16 महीने हुकूमत में रही हैं, उनके अंदर तो बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है कि इलेक्शंस हों। हमारे सामने पंजाब के इलेक्शंस डिले हुए, वहाँ पर उस वक्त ये कहा गया कि इलेक्शंस पूरे मुल्क में एक दिन में होने चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में डिले हुए, इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस भी डिले हुए, और फिर जब बारी आई नेशनल इलेक्शंस होने की तो उस वक्त इन्होंने जानते बूझते हुए मर्दमशुमारी को नोटिफाई कर दिया, नोइंग कि इसके नतीजे में जनरल इलेक्शंस डिले हो जाएंगे।
और वही हुआ, मर्दम शुमारी को नोटिफाई किया तो कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन थी कि हल्का पहले बंदी हो। 22 असेंबलियों के डिले हुए, फिर कौमी के डिले हुए, फिर केयर टेकर सेटअप लंबा हुआ, अब 8 फरवरी के इंतखाबात के इल्तवा के लिए बाकायदा एक ग्राउंड तैयार हो गई और तमाम लीडर मुतालबा कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये तमाम जो सियासी जमातें हैं, ये एक पूरी हिस्ट्री है इलेक्शन से भागने की और मजीद इलेक्शन से, क्योंकि इनको जो मतलूबा नतायज थे ये समझ रहे थे। पीडीएम का तो वन कैन अंडरस्टैंड कि शायद महंगाई वाई से और प्रो इमरान वोटर मौजूद है, इसलिए वो चाहते हैं कि थोड़ा आगे चले जाए। दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट वाली उमैर नियाजी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से लेके गए हैं और नजफी साहब ने इनकी दरख्वास्त मानते हुए इस प्रोसेस को सस्पेंड किया। पीटीआई तो इस वक्त डॉक्टर साहब डायरेक्शन लेस है और उस डायरेक्शन लेस होने की वजह से कोई पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। इसमें बज़ाहिर तो ऐसा ही नज़र आता है कि ट्रैप हुए। अब ये जो पिटिशन है जो लाहौर हाई कोर्ट में रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट इन्होंने चैलेंज की थी और उसमें ये कहा था कि जी के ये एग्जीक्यूटिव से लोग लिए गए, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर्स, इनको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है तो इनकी तैनाती ठीक नहीं है, ये तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। बात ये समझ में आती है कि जुडिशरी से लोग होने चाहिए जो रिटर्निंग ऑफिसर हों, लेकिन जुडिशरी हमने देखा कि वो थोड़ी सी रिलक्टेंट थी अपने ऑफिसर्स देने में, जजेस देने में, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म आता है जुडिशरी के ऊपर कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शन। 2013 के इंतखाबात को आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था आरओ इलेक्शन क्योंकि सारे जुडिशियल ऑफिसर्स थे और उसके पहले एक हिस्ट्री है, जस्टिस फखरुद्दीन इब्राहिम ने 2008 के इंतखाबात कराने से पहले जस्टिस इफ्तखार चौधरी को कहा था कि आप इख्तियारात देंगे तो मैं अफसर दूंगा, नहीं तो वैसे अफसर नहीं देंगे जुडिशरी से, तो इख्तियारात मिले फिर जुडिशरी से अफसर दिए गए, फिर वो 2013 आरोज इलेक्शन बने, लेकिन 2018 भी जुडिशरी ने करवाया था। अब इसमें अहम सवाल ये उठता है मलिक साहब कि ये जो फैसला था असिस्टेंट कमिश्नर्स को और डिप्टी कमिश्नर्स को रिटर्निंग ऑफिसर बनाने का, ये तो काफ़ी पहले हो चुका था और फिर साथ ही साथ जो जुडिशरी, अब आपको नजर क्या आता है, मैं अभी तक इस वैसे मखमसे से खुद नहीं निकला, बहुत पहले का फैसला कि ये जुडिशियल ऑफिसर्स जो थे वो एज रिटर्निंग ऑफिसर लेना इलेक्शन कमीशन, ये फैसला तो जुडिशरी भी इनकार कर चुकी थी, तो इसको बहुत पहले टेकअप हो जाना चाहिए था, नंबर एक। नंबर दो, इसके अंदर दूसरी अहम चीज ये है कि आपने जब ये रिटर्निंग ऑफिसर्स का नोटिफिकेशन तो अब आपने मुअत्तल कर दिया, उसके नतीजे में जो एज अ कॉन्सिक्वेंस इलेक्शन का शेड्यूल डिस्टर्ब हो चुका है एज वी स्पीक, इलेक्शन कमीशन अभी शेड्यूल नहीं दे सकता, तो यहां पर अब जो सूरत हाल इसके नतीजे में डेवलप हुई है उसमें हमें तो अब बजाय इलेक्शन डिले होता नजर आ रहा है। अभी आपको लगता है इंतखाबात में इल्तवा होगा? अब ये एज अ कॉन्सिक्वेंस, अब देखें जो बैरिस्टर साहब बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब ये जारी बात है जब मैटर टेकअप होगा 1843 के तहत शायद वो करना चाह रहे हैं, शायद वाली बात है अभी पता कोई नहीं, लेकिन उसमें अब फिर एक और फर्दर प्रॉब्लम आ जाएगी। जो जज साहिबान अभी बैठे हैं, जस्टिस मनेला हो गए, जस्टिस मुनीब हो गए, जस्टिस काजी फायजीसा हो गए, आपको याद होगा कि जब पंजाब के इलेक्शंस का मैटर जस्टिस बंदियाल ने टेकअप किया उस वक्त इन तमाम जजेस ने उस बेंच में बैठने से इनकार किया, साथ ही साथ इन्होंने ये भी अपने रिटन ओपिनियंस में कहा कि क्योंकि मैटर जो था वो नीचे हाईकोर्ट के पास पेंडिंग था तो हमें इस मैटर को उस वक्त तक टेकअप नहीं करना चाहिए। पॉइंट ज़फरुल्लाह साहब का, तो यही पॉइंट बैरिस्टर साहब भी ले रहे थे। तो अब मेरे ख्याल से इसके नतीजे में अब एक तरफ तड़प नजर नहीं आ रही, एक ट्रक की बत्ती नजर आ रही है, ट्रक की बत्ती नजर आ रही है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के लोग इलेक्शंस चाहते हैं, इलेक्शंस हमारे मुल्क के लिए जरूरी हैं, और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस के हाथों में आलाकार बन के इलेक्शन को डिले करने में अपना कंधा फराहम कर रही है। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस जो है वो भी एक तारीख साज केस होगा, अगर उसके अंदर बातचीत खुले तरीके से बढ़ती है और मामला आगे चलता है तो बहुत अहमियत का हामिल होगा कि सुप्रीम कोर्ट माजी में अपने किए हुए फैसले या किस तरीके से जजों को सजा मिलती रही उस मामले को साफ शफाफ कैसे करती है। हामिद खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, पहले वो आपको दिखाता हूँ, दिखाइएगा। Visited his house with a brigadier. अगर आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं तो उसको आप पार्टी तो बनाए, हो सकता है वो आकर के मान ले, हो सकता है आकर के कहे नहीं ये बात गलत है और अपना कोई मौके पेश करना चाहे, मगर हम मफरूजों पे तो नहीं केस चलाएंगे।
काजी फायजी साहब ने बड़ा क्लियरली उनको कोर्ट के अंदर कहा कि आप जनरल फैज़ का अगर नाम ले रहे हैं तो फिर उनको फ्री बनाएं ताकि उनको यहाँ जवाब देने का हक मिले। कल मीडिया सारा खबरें छापेगा तो उनको जवाब देने का मौका तो मिलना चाहिए। आप सिर्फ अदारे का नाम लेते रहें तो पूरे अदारे के ऊपर तो इल्ज़ाम नहीं आप आयद कर सकते। इसके ऊपर सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उसके बाद शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने कोई लंबी एक फहरिस्त बनाई है जिसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फॉर्मर आर्मी चीफ, फॉर्मर DGISI और कुछ ब्रिगेडियर्स के नाम लिख के तो वो दे दिए उन्होंने। अब इसके ऊपर ख़ुद उनके अपनी ज़बानी शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब की ज़बानी, हमने उनसे इंटरव्यू किया था ये आज से कोई साल 6 माह पहले, मेरे पास डेट नहीं है, शायद स्क्रीन पर लिखी आ जाए, उन्होंने एग्जैक्ट क्या हुआ था पूरी कहानी हमें बयान की थी, मैं आपको वो दिखाईगा। मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि ये जो हाई कोर्ट में जब नैब कोर्ट से कोई डिसीजन आ जाए तो हाई कोर्ट में क्या प्रोसीजर होता है। तो मैं कहा जी आप किस केस के हवाले से पूछ रहे हैं? यही है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उनकी बेटी का। तो मैंने कहा जी उसका तो अभी फैसला नहीं आया। तो उन्होंने बड़ा कैटेगरिकली कहा, उन्होंने नहीं कहा सर नहीं सर कन्विक्शन तो होनी ही होनी है, अब सिर्फ क्वांटम ऑफ सेंटेंस का जो इशू है वो डिसाइड होना है। आप से हम ये एक पाकिस्तान के इंटरेस्ट में एक जो फेवर चाहते हैं, और सर किसी की दुनिया बनाने या बिगाड़ने के लिए मैं अपनी आकबत नहीं ख़राब कर सकता। तो इस पर फिर उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा था फैज़ हमीद साहब ने कि सर इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया चली गई। बैरिस्टर जफरुल्ला साहब ये जुमले तो आपने सुन लिए हैं, लेकिन फॉर्मर आर्मी चीफ के ऊपर फौज का एक बाकायदा रेड लाइन है, लेकिन नाम शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जनरल बाजवा का भी लिख के डाला, सिर्फ फैज़ हमीद साहब का नहीं है। मुझे लगता है कि ये बड़ी कोई इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप होने जा रही है। मीर साहब मैं इस सादर मियाँ साहब के केसेस में मैं इन्वॉल्व था बतौर मियाँ साहब के वकील, और मुझे मालूम है कि क्या हो रहा था, बस क्या बताएं। और कुछ बता ही दें आज आप भी, शौकत साहब ने तो चलो एक बात मैं भी आगे बता देता हूँ। शौकत अजीज सिद्दीकी ने दरख्वास्त दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि मेरे खिलाफ जो ये चल रहा है ना, ये जो रेफरेंस है ये ओपन चलाया जाए। ठीक, हमें बनाया पार्टी, हमने मैं बतौर लॉर्ड विजन हमने लिख के भेज दिया कि इसको ओपन चलाया जाए। हमें एक ला अफसर ने रब्ता किया मुझे, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ये चाहते हैं कि आप इसकी मुखालफत करें और हुकूमत ये कहे कि ये ओपन नहीं होगा। कौन से जज ये चाहते थे? बस इतना फिलहाल साकिब निसार साहब। नहीं, इतना फिलहाल मैं बता, आगे चलें। मैंने नहीं मानी, दोबारा उन्होंने मैसेज भेजा और मैंने ये कहा कि अगर आप मुझे तीसरी दफ़ा मैसेज भेजेंगे तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। मैंने लिख के जवाब जमा कराया हुकूमत पाकिस्तान का कि ये ओपन। डेट क्या थी जब आपने जवाब जमा कराया? यार जब इसका चल रहा था मुकदमा मुझे याद नहीं है, मैं उस वक्त SAPM था। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट मैं अगली बात बताऊँ ना, जजमेंट में जिक्र है इसका। ये जब मैंने जमा करा दिया उसके ऊपर उन्होंने हमारे जवाब के ऊपर, शेख अजमत सईद की शायद जजमेंट है, उन्होंने लिखा कि ये जवाब जो लॉर्ड नेवियन का आया हुआ है ये अनऑथराइज आदमी ने अप्रूव किया है। उनको पता नहीं किसने बताया था कि ऐसे PM ने अप्रूव किया, वो तो PMC मेरी डेलीगेशन थी और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया जजमेंट में लिखा हुआ है। इस तरह की हरकतियाँ हो रही थी ये सुप्रीम कोर्ट में, अल्लाह करे कि ये मामला लंबा ना हो। क्या अल्लाह करे तलब करेगी DGISI, फॉर्मर DGISI? भाई सुप्रीम कोर्ट मैं वहाँ मौजूद था आज, इन्होंने तो पार्टी नहीं बनाया था और इस पर फैसला हो सकता था। सादर इसलिए कि साहब जल्दी चाहते हैं, इसलिए कि उन्होंने चैलेंज जो किया है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का फैसला किया है। DGISI को करेगी करेगी। हाँ जी, आप बताइए हमायों साहब, ये मेरे ख्याल में बड़ा तारीख साज मौका है। मुशर्रफ साहब को कुटहरे में लाने की नून लीग ने कोशिश की थी, मुशर्रफ साहब पाकिस्तान से तो चले गए, कुटहरे तक नहीं पहुँचे। कभी मैं हिस्सा हूँ, मैं इंचार्ज था ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन आप कमज़ोर साबित हुए ना, मुशर्रफ साहब तगड़े थे, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो अब क्या बनेगा? अब इन्होंने आर्मी चीफ का भी नाम डाला है, DGISI का भी नाम डाला है, 3-4 ब्रिगेडियर्स हैं, मतलब आई नो देम पर्सनली, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि सर्विस के लोग हैं, नाम लेना सबका दुरुस्त नहीं है। अगर कोर्ट तलब करेगी तो फिर नाम ले लेंगे उनके। देखिए लेट्स पुट लाइक दिस, वो इंग्लिश में एक टर्म होती है, वो कहते हैं देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। आर यू हैप्पी कि ये होना चाहिए? ठीक है, मेरे लिहाज से अगर आप मुझसे पूछें ना, इन प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि अगर हम लोगों ने इस मुल्क का रुख ठीक करना है तो हमने बहुत सारी चीज़ें जिनको जो बहुत कड़वी हैं और कड़वा सच है, हमने उसको नाक बंद करके घूंट पीना होगा। आपके ख्याल में इट्स डूएबल?
Everything is doable. आपको पता है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ज़हनी कैफियत के ऊपर आपके दो वज़ीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उनकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ एक जजमेंट पास कर दी थी। वकार सेठ साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट डिफेंड एनी वन हु हैज डन रॉन्ग, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। मैं किसी चीज़ से, मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को हमने आगे लेकर जाना है तो रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मीन्स नोबडी इज अबव द लॉ, नोबडी, नोबडी मीन्स के इवन जो चीफ जस्टिस है वो भी लॉ से ऊपर नहीं है, वो भी लॉ के नीचे आते हैं। अगर किसी चीफ जस्टिस ने गलत डिसीजन लिया तो उसको भी कटहरे में लाना चाहिए कि आपने ये गलत डिसीजन क्यों लिया। फॉर एग्जांपल आज अगर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का करते हैं तो जिन लोगों ने किया है उनके ऊपर मेरे लिहाज से तो दफा 302 लगना चाहिए। मैं भी ये कहता हूं, ठीक है ना। अगर उसके बाद तो फिर पहले जजों के भी लगेगी और जिन्होंने करवाया उनको भी करेगी ना। लेकिन देखिए बात ही हो जाती है, जिन्होंने करवाया वो तो इसके अंदर एक्टिव नहीं थे ना, या तो ये जजेस वो सारे कह देते कि भाई उनके ये कोर्ट केस चल रहा था, कोर्ट में डिसीजन हुआ था। तो अगर हम इन लोगों को शेम नहीं करेंगे, उनको स्ट्रिप नहीं करेंगे उनके ओहदों के साथ इवन आफ्टर डेथ, तो उस वक्त तक ये बात नहीं बनेगी। अच्छा, सेठ साहब ने यही कहा था, बाद में एंड रिजल्ट आपको पता है क्या हुआ था? देखिए इस तरह ये है कि एंड रिजल्ट ये है, एंड रिजल्ट क्या है, एंड रिजल्ट ये है कि जिन लोगों ने मेरे लिहाज से कत्ल किया है, अगर ये कत्ल है, उन्होंने गलत डिसीजन लिया था या कोई ले रहा है या कोई लेने वाला है, उनको एक चीज याद करना चाहिए कि वो क्यामत वाले दिन क्या करेंगे। अगर खौफ खुदा नहीं है तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। जस्टिस वकार सेठ की इस जजमेंट के ऊपर मुस्तफा साहब लाहौर हाईकोर्ट में, आई थिंक जस्टिस मुसाहिर अली अकबर नकवी साहब लाहौर हाई कोर्ट में थे उस वक्त, और दूसरे अमीर भट्टी थे, अमीर भट्टी साहब जो थे, उन्होंने बैठ के उस अदालत की कॉन्स्टिट्यूशन को गलत करार दे दिया था। ये हमारी हिस्ट्री है, अफसोसनाक है, शर्मनाक है, माजरत के साथ। मलिक साहब, और भी हमारे यहाँ इस ज़मन से में एक तारीख मौजूद है असगर खान केस की, उसके अंदर कुछ रिटायर्ड जो जनरल्स थे उनको तलब किया गया और वो वहाँ पर आए भी, एफिडेविट दिए हुए उन्होंने, ऑर्डर आया हुआ है उसके ऊपर। जनरल असद दुरानी साहब ने उसके अंदर कहा, सुप्रीम कोर्ट के सामने रोस्ट्रम पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं दोबारा यही काम करूँगा, क्योंकि हम उस वक्त समझते थे कि शहीद बीबी एक सिक्योरिटी रिस्क है और हमने उनको उनसे इलेक्शन जो चुराना और आईजीआई बनाना था वो हम समझते थे कि कौमी मफाद में था, और अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं दोबारा ये करूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने उनकी स्टेटमेंट है, उनकी बेसिक प्ली तो ये है ना कि ऑन द डायरेक्टिव्स ऑफ द आर्मी चीफ। अब गुजारिश ये कि ये ऐसा पहला भी हो चुका है। अब असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट जब उन्होंने आके खड़े होकर सामने तस्लीम किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया 2012 में, इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे और उन्होंने एफआईए को हुक्म दिया कि जी तहकीकात की। उस वक्त की हुकूमत को कहा, उस वक्त की हुकूमत को भी कहा, और हुकूमत ने नहीं किया, और मामला उसके बाद से कभी दोबारा उठा। पांच साल उन्होंने हुकूमत की बिल्कुल टच भी नहीं किया। जाहिर बात है, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी नहीं किया, मियां नवाज शरीफ साहब का भी नाम था उसमें आईजीआई वाले मामले में। अब गुजारिश यह है कि ये कैन ऑफ वर्म्स है, इसको जब आप खोलेंगे तो जाहिर बात है जनरल फैज हमीद उस वक्त उनकी डेजिग्नेशन क्या थी, मेजर जनरल थे, डीजीसी थे उस वक्त, मेजर जनरल। तो हमें भी इस बात को बखूबी पता है कि कोई मेजर जनरल या ब्रिगेडियर खुद से कोई काम नहीं कर सकता। जब सिद्दीकी साहब ने शायद यही सोच के उस वक्त आर्मी चीफ का नाम डाल दिया, जो शायद ना डालते तो बेहतर था। मेरी अपनी अगर अंडरस्टैंडिंग में पूछे तो नाम ना डालते तो बेहतर था। अब इस कैन ऑफ वर्म्स को जब खोलेंगे तो एक बात तो असूलन इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस मुल्क के अंदर जो कुछ होता आया है वो हमारी एक बड़ी तल्ख तारीख है और उसको तारीख को अब तब्दील होने की जरूरत है। आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान मायूस साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं और आप भी सपोर्ट कर रहे हैं कि होना चाहिए। मलिक साहब 76 साल गुजर चुके हैं, इन 76 सालों में हम दायरों का सफर एक जारी रखे हुए हैं। 2018 में जो मंजूरे नजर थे आज वो जेरे एताब हैं, जो उस वक्त जेरे एताब थे आज मंजूरे नजर हैं। 2013 वाले आज 2024 में दोबारा मंजूरे नजर हो गए। तो हमारी जो सियासत है वो 80 की दिहाई से या 70 की दिहाई से, कि जब आईजीआई बनाई गई, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के नीचे से रग खींचा गया, उसको घर भेजा गया, तो ये सिलसिला बड़ा पुराना चलता आ रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान ट्रैक पे नहीं चल पा रहा। आईजीआई वाला केस डॉक्यूमेंटेड है कि कैसे पैसे पैसे कैसे बांटे गए। ब्रेक करीब आ गया, मुझे ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में बरवक्त इंतखाबात क्या इस्तेहकाम लाएंगे और क्या इंतखाबात बरवक्त हो जाएंगे? अब ये दोनों सवाल मुझे पूछने पड़ेंगे। आपसे खोकर साहब शुरू करता हूँ, क्या हो जाएंगे इंतखाबात वक्त?
दो चीज़ें मलिक साहब जो हमें पुश कर रही हैं इंतखाबात की तरफ, पहला सुप्रीम कोर्ट 12 अदा कर चुकी है और काजी फायज ईसा के ये पत्थर पे लकीर है, दूसरा IMF इकोनॉमिक कंडीशन हमारी, तीसरी किस्त शायद वो ना दे पाए एक केयरटेकर गवर्नमेंट को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को देना उनकी ख्वाहिश है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जिनके आपने इंटरव्यूज भी दिखाए, वो इलेक्शन नहीं चाहती, वो इलेक्शन से फरार चाहती हैं। 16 महीने की हुकूमत का बोझ पीछे बचती है आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट बचती है हमारे। सर देखिए मैं इसका बताता हूँ कि अगर हम जस्टिस अतहर मिल्लाला साहब की जजमेंट पढ़े ना, उसने कहा हुआ है कि हर एक दिन जो है ना जो जो ह्यूमन राइट्स, जो मेरा हक है ऑफ वोटिंग, वो मुझसे आज से 8 महीने पहले 2 प्रोविंसेस में और 7 नवंबर के बाद पूरे पाकिस्तान में मुझसे छीना गया है। एक्चुअली मैं उसके ऊपर डायरेक्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता हूं और मुझे करना चाहिए एज अ वोटर कि यार मेरा हक मारा जा रहा है हर दफा पे। PTI बिल्कुल चाहती है कि इलेक्शन हो। हाँ, इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसके लिए 184(3) में कहा गया है कि एक कमेटी डिसाइड करेगी, 3 मेंबर्स जो है ना वो करके डिसाइड करेंगे। बैठ जाएं, डिसाइड कर ले, इसको उठा के देख ले और उसके बाद कर ले। लेकिन इलेक्शंस को मेरी नज़र में 8 February ऑलरेडी इट इज टू लेट, 8 को हो जाना चाहिए, अभी 8 को हो जाना चाहिए। बैरिस्टर साहब, ट्रक की बत्ती अगर सामने रखें ना, तो फिर नहीं नजर आता। हम मुतालबा करते हैं, आज हमारे सदर साहब ने इस फैसले को मुस्तरद किया है, हम कहते हैं 8 पे इलेक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी हूँ और कहें आप मुतालबा तो कर रहे हैं, लेकिन आपने जो अभी मुझे खुद बताया कि पहले वहाँ DVN बेंच बनेगा, DVN बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट आएगी, वो तो बहुत लंबा प्रोसेस। ये शर्त हमने नहीं की, हमने इसको मुस्तरद किया शहबाज शरीफ साहब ने, ये PTI नहीं की है। इज देयर एनी ग्रैंड डिजाइन बिहाइंड इट? आई डोंट ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी है। मैं नॉर्मली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में जाता नहीं हूँ, हालांकि मैंने देखी बहुत है ज़ाहिर तौर पर, मेरा ख्वाहिश भी है और मेरा ख्याल भी सारे लीडर्स के बयान ऑटोमेटिक। मेरा ख्याल में नहीं, मौलाना ने तो ख्याल बाद में वाजे किया था, मेरा ख्याल इलेक्शन 8 को होंगे। मौलाना ने दो बयान दिए, पहले को वाजे करके दूसरी दफा फिर मेरा ख्याल में, मौलाना की मुश्किल तो है ना, बम बहुत फटे, लेकिन मेरा ख्याल इलेक्शन होंगे, 8 को होने चाहिए, होंगे। हम मुतालबा करते हैं कि हों, अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे। और क्या मसले भी हल करेगा इलेक्शन? नहीं, ये एक लंबी बहस है। मैं फिर भी कहता हूँ, देखिए पाकिस्तान के फंडामेंटल मसले को एड्रेस करने में मुश्किलात हैं, लोग नहीं कर रहे। 3 बड़े मसले हैं, फेडरलिज्म, रोल ऑफ रिलीजन एंड सिविल मिलिट्री, ये कोई बंदा एड्रेस ना करता है, ना कैपेसिटी है, मुश्किल है और वक्त तलब। इलेक्शन बिल्कुल मसले हल करेगा, मेरे नज़दीक भी 3 क्राइसिस हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है और सिक्योरिटी क्राइसिस है, और ये तीनों जो मसाइल हैं ये एक अवामी हुकूमत जो अवाम के मैंडेट से हो वही हल कर सकती है, मुस्तहकम हुकूमत, अदरवाइज नहीं हो सकता। पाकिस्तान का बेसिक मसला ये है कि हम सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं, हर एक बंदा। अगर हमने पाकिस्तान को ठीक करना है, इलेक्शन इज द स्टार्ट ऑफ इट, और वो भी फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट के नजर आए, काबिले कबूल हो, हर एक को काबिले कबूल हो, ट्रांसपेरेंट हो, इतना ट्रांसपेरेंट हो कि पाकिस्तान की डायनेमिक्स हमेशा के लिए चेंज हो जाए। हुमायूं अहमद साहब, मुस्तफा नवाज साहब और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।